आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं जिसको हम अमेज़न पर बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। आज के अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस के लिए मैं सेलर्सप्राइट टूल का यूज करूंगा। टूल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? आप सही बोल रहा हूँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। और चलिए चलते हैं लैपटॉप पर। तो सबसे पहले आपको sellersprite.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है, और अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर ले। Sellersprite का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आफ्टर लॉगिन आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। आज हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाकर प्रोडक्ट रिसर्च पर क्लिक करेंगे। तो आज हम अमेजोन की सभी प्रॉफिटेबल कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स नहीं देखेंगे, हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज करेंगे। ये क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। आप चाहे तो सेम यूज सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। ऑल्सो आप देखोगे सेलर्सप्राइट कुछ ऑलरेडी बने बनाए प्रीसेट्स देता है, जैसे रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, लो रेटेड सेलर्स एंड सो ऑन। बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं और विनिंग प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिलेक्टिंग द मार्केट प्लेस। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे सभी मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मंथ में से रिलेटेड डेटा ही आपको एनालाइज करना है। तो अगर आप 30 डेज लास्ट 30 डे का देखना चाहते हो तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप अप्रैल का देखना चाहते हैं, मार्च 2024 का देखना चाहते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपना जो भी डेटा एनालाइज करना चाहते हैं जिस मंथ का, आप उसको यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीसेट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो अभी मैं कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल अगर आपको कुछ तेजी से सर्चेस करने हैं या कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे सर्चेस करने हैं, क्राइटेरिया लगाना है, तो दीस प्रीसेट्स आर वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी कैप्चर करी है इस टूल ने। एंड फर्दर आप देखोगे इसमें सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं, और सब कैटेगरीज के अंदर जाओगे तो और सब नैरो डाउन होके और सब कैटेगरीज आ जाते हैं, राइट। तो बहुत ही एक्सटेंसिव टूल है, बहुत ही डिटेल्ड में ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो आज के एग्जाम्पल के लिए मैं कार एंड मोटर बाइक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ी सी अनयूजुअल है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इसमें हमें कोई बेस्ट सेलर प्रोडक्ट वगैरह मिल सकता है या नहीं। तो इसको हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे हमारी एक कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। आज का प्रोडक्ट रिसर्च हम बिगनर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, एक नए सेलर के पर्सपेक्टिव से, जिसके बाद बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड उसको हमेशा कैश फ्लो चाहिए होता है सो दैट वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करे। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लेट सपोज एक सेलर को 20,000 से 50,000 तक का रेवेन्यू मंथली जनरेट करना है, राइट। और मेरे एक यूनिट पे मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मैं मेरे मंथली मिनिमम 200 यूनिट्स तो बिकने चाहिए, और मैक्सिमम मैं थोड़ा सा हायर ले लेता हूँ, विच इज 800 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस मैं अभी लूंगा मैक्सिमम 1,000, सो दैट मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। इसके बाद मैं FBA यूज करूंगा, एंड इसके बाद जो मैक्सिमम वेट है मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो लेट्स सपोज 500 ग्राम तक का वेट सिलेक्ट करता हूं, एंड इसके बाद सर्च नाउ पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारा डेटा आ रहा है इन सबसे रिलेटेड, जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। एंड यहाँ पे अच्छा, इस टूल की एक बड़ी अमेजिंग बात है, वो मैंने किसी भी और टूल में नहीं देखा, वो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ग्रिड व्यू आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप ग्रिड सेलेक्ट करते हो तो आपको अमेजोन की तरह लुक एंड फील आने लगता है। वहाँ पे आपको उसकी BSR, मेन कैटेगरी रैंक, सब कैटेगरी रैंक, यूनिट सोल्ड, रेवन्यू सब एक साथ दिखने लगता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं फर्स्ट लेवल पे, एंड आप देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम आगे चलते हैं, कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, जिसने बहुत ज्यादा चेंज हुआ है लास्ट 30 डेज में। तो हमें ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हुक थोड़ा सा यूनिक है, तो मैं एक बार लिस्ट मोड को ऑन करता हूं और देखता हूं ये रहा, ठीक है। तो आप ये देखोगे बहुत ही सही ग्रोथ ली है इस प्रोडक्ट ने, इसने लगभग 1400 प्लस की जंप ली है BSR में, 79% की ग्रोथ है, बेस्ट सेलर का टैग इस पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे ये ग्राफ आपको दिख रहा है, तो इसको आप और फर्दर अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे और डिटेल में देख सकते हो। तो बेसिकली इस ग्राफ को आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू का मतलब ब्लू से पहले जितना भी ऑरेंज कलर है, मतलब ये प्रीवियस मंथ्स, प्रीवियस डेज का डेटा है, और ब्लू जो है वो करंट और फ्यूचर प्रेडिक्शन। बहुत अमेजिंग टूल है, ऐसे अमेजिंग डेटा मैंने नहीं देखा कोई और टूल दे रहा है, पर ये दे रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप इसको और फर्दर एनालाइज करना चाहते हो, तो आप देखेंगे यहां पे ये बार चार्ट का आइकन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेल्स डेटा
ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे मई 2023 में इसकी जो सेल्स थी वो 199 थी, रेवेन्यू 31,000 का था, एवरेज प्राइस 160 था। राइट, आप इधर देखेंगे तो आपको और डेटा दिख जाएगा कि जैन में कितना था। इस तरीके से आप 2024 में मार्च अप्रैल में सब देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मई में इसका जो प्रेडिक्शन है वो काफी हाई है और काफी सही चल रहा है, इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद अगर इसके वेरियंट्स हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी सेल्स ऊपर नीचे हो रही है, कितना हो रहा है, तो वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम जो देखेंगे वह हिस्टोरिकल ट्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल ट्रेंड देखना। और अभी ये लोड हो रहा है, लेट इट लोड। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है वो बहुत ही बेस्ट फीचर है इस टूल का। सेलर्सप्राइट ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपने आप को कीपा के साथ इंटीग्रेट किया। कीपा बहुत पुराना टूल है, आई रिमेम्बर जब मैंने 2016 में शुरू किया था अमेजोन सेलिंग, कीपा तब से है और बहुत ही एक्यूरेट डेटा देता है। और कीपा के केस में आप देखोगे ये BSR, प्राइस, रेटिंग्स, रेटिंग रेट्स सब कुछ दे रहा है। राइट, इसके अलावा आप यहाँ पे अगर राइट सेक्शन में देखेंगे तो आप इसको और फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। लेट्स सपोज 6 मंथ्स में क्या स्टैट्स हैं, 1 ईयर में क्या स्टैट्स हैं, या ऑल टाइम जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो क्या स्टैट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज 6 मंथ, तो अगर आप चाहें तो मुझे प्राइस को नहीं देखना तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज आप देखोगे कि अगर हम इसमें यूनिट सोल्ड की बात करें तो 550 यूनिट सोल्ड हुए हैं, ग्रोथ -1.6% है, लेकिन नो डाउट जंप इसने लिया है इस मंथ। इसके अलावा टोटल रेवेन्यू उसने 61,000 का किया है और हम खुद प्रोडक्ट देख रहे थे जिसमें हम 20,000 से लगभग 50,000 का प्रॉफिट बना रहे हों। ऑब्वियसली हमने थोड़ा हायर साइड लिया था 800 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली 61,000 आया है। ठीक है, एंड अगर आप प्राइस देखोगे, आप प्राइस देखो सिर्फ 112 रुपए, इस प्रोडक्ट को वो 112 रुपए में सेल करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड इसी की तरह आप बाकी फिगर्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया ये कीपा का बटन है, आप चाहो तो यहाँ पे कीपा का ट्रेंड फिर से डायरेक्टली खोल के भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पे जिनको मैं अभी दिखाता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव फिगर आउट सो फार, ये आप ट्राई कर सकते हैं, आप इस तरीके से देखेंगे। एंड इस टूल की ना बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आप फर्दर इस प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, जैसे लेट सपोज मैं रिवर्स एसिन पे क्लिक करता हूँ, आप इसकी इमेज पे होवर करोगे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस इमेज पे होवर करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। बट एक और तरीका है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे रिवर्स एसिन पे क्लिक करिए। ओके, तो रिवर्स एसिन पे क्लिक करने के बाद आपको उस एसिन से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा, जो कीवर्ड्स हैं एंड ऑल। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज एक दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे ये देखोगे कि इस एसिन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड पे कितना क्लिक शेयर है, कीवर्ड का टाइप क्या है, उसकी ऑर्गेनिक रैंक क्या है, स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है, और उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है। सब बहुत अमेजिंग डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कार एक्सेसरीज है जो कि हाईली सर्च्ड कीवर्ड है, एंड ऑर्गेनिक वर्ड्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे आपको दिख रही है और यहाँ पे इसका ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, कार एक्सेसरीज कीवर्ड 54% है यहाँ पे और कार एक्सेसरीज इंटीरियर 32%, which makes around 86%, मतलब इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो इन दो कीवर्ड से 86% सेल्स जो है वो ये दो कीवर्ड पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि अगर आप इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो अब आपको ये पता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है लास्ट 30 डेज में उसकी मैक्सिमम सेल कहां से आ रही। तो यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स इन योर ऑर्गेनिक रैंकिंग। और अभी मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे इन्होंने हो सकता है कि इन दोनों कीवर्ड्स पे एड्स रन ना किए हो, तो आप इन कीवर्ड्स पे एड रन करके अपने स्पॉन्सर्ड रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनिक रैंक को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, आप राइट में देखेंगे फिर से बार चार्ट का आइकन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आपको दिख जाएगा, कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है। ठीक है, वीकली या मंथली आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, रैंक ट्रेंड देख सकते हैं, गूगल ट्रेंड भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है तो वो भी आप देख सकते हैं, अलग से जाके गूगल ट्रेंड्स को एक्सप्लोर नहीं करना है। पीपीसी बिड आप देख सकते हैं कि कितनी बिड चल रही है इस कीवर्ड के ऊपर, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैक्सिमम कितना है, सजेस्टेड कितना है, एंड ऑल दिस। तो यहाँ से आप वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला ये टूल आपको बहुत अमेजिंग फीचर्स देता है, तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, वो ये कि अगर आप यहाँ पे फिर से जाएंगे एड इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट पे जो एड चल रहा है उसका डेटा देगा। एंड अभी इस प्रोडक्ट पे कोई एड नहीं चल रहा है तो इसलिए कोई डेटा यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने नहीं दिखाया है सेलर्सप्राइट ने। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं दूसरा एग्जांपल पुल करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे एड्स चल रहे हों। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये एक प्रोडक्ट है एंड इसका भी 160 इसने जंप किया है, बेस्ट सेलर है एंड 34% का ग्रोथ है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें आ रहा है हमारा एड इनसाइट एंड व्हेन वी क्लिक ऑन इट नया पेज खुलेगा और आपको देखो यहाँ पे क्या अमेजिंग डेटा आ रहा है। मतलब इस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट पे ये क्या कैंपेन्स रन कर रहा है, कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है, मैं सारा डेटा निकाल सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ इसको बीट करने के लिए या
अपनी रैंक्स को ऊपर लाने के लिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करेंगे। आप देखें बहुत ही सारी रोज आ रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। रोज का मतलब है ये सब कैंपेन्स है। अब इन रोज के ऊपर ये जो लाइन है ये कैंपेन्स हो गए, इसके ऊपर ये सर्कल दिख रहे हैं। सर्कल का मतलब ये है कि इसमें कितने सर्च टर्म यूज हुए हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा इस सर्कल पे, तो आपको दिखेगा कि ये सभी कीवर्ड्स यूज हुए हैं इसने जो कैंपेन बनाया, जो ये कैंपेन रन कर रहा है सेलर, उसने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए। अब उसके बाद भी आप डेटा देख सकते हो कि इसकी स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है उस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक रैंक क्या है, ट्रेंड क्या है, सर्चेज, इंप्रेशन, क्लिक्स, एंड इस तरीके से आप सारा डेटा यहां से देख सकते हैं। तो दिस इज एन अमेजिंग टूल जो आपको बहुत डेटा देता है, बहुत ही हेल्प करता है आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। तो जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, लेट सपोज कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में और आप उससे बेटर वेरिएंट लेकर आते हैं या उसमें कोई कमी है जिसको रिसॉल्व करके आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उनकी कमियों से सीख सकते हैं। जो वो बढ़िया कर रहे हैं, उनके कीवर्ड्स हो गए या स्पॉन्सर्ड एड वो बहुत अच्छा चला रहे हैं या कितने बिड रेट पे चला रहे हैं, तो वो सारा डेटा यहाँ से आप स्पाई करके, स्टील करके निकाल के अपने कैंपेन्स में लगा सकते हैं, अपने लिस्टिंग्स में लगा सकते हैं। ओवरऑल होगा क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आप स्मार्टली प्ले कर रहे होंगे और कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। तो इस तरह आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। सेलर्सप्राइट टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो आप 45% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। और हाँ, सेलर्सप्राइट का फ्री कॉम एक्सटेंशन को कभी ट्राई किया है? नहीं, तो ये वीडियो अपने कॉम्पिटिटर से पहले जरूर देख लें।